الله الله اكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم ناظرين وسامعين اكرام برنامج تجفید القرآن کے ساتھ آپ کا مذبان قاری عبدالسبر کے خدمت میں حاضر ہے दुआ करते हैं कि अल्लाब लज्ज़त क़र करीम को हमारी ज़िंदगियों में ले कर आए और हमें इस पर चलना नसीब फरमाए क्रन करीम पर अमल करना नसीब फरमाए जब हमारी ज़िंदगी में क़र करीम के साथ अमली तल्लक पैदा हो जाएगा तो अल्लाह रबत हमें भी इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे जैसे कि अहरबैत साहब इक्राम को अल्लाह ने इज़्ज़तें नवाजी इज़्ज़तों से नवाजा मेरे मोहतरम नाजरीन इक्राम बहुत सारे लोगों को जाकर देखें कि देख कर रोना आता है घरों के अंदर क़ुरान करीम को रेशमी गुलाफों में लपेट कर रख देते हैं मगर उनको पढ़ने की फ़ुर्सत नहीं होती आजकल घरों के अंदर टीवी रोज़ाना ऑन किया जाता है मोबाइल हर शख़्स के पॉकेट में है ड्रामे रोज़ाना देखे जाते हैं रोज़ाना घंटों प्रोग्राम देखे जाते हैं अखबार रोज़ाना पढ़ा जाता है और डाइजेस्ट रोज़ाना पढ़ा जाता है मगर उन घरों में कई महीनों गुज़र जाते हैं कि कोई बंदा भी अल्लाह इज़्ज़त का कुरान करीम खोलने वाला नहीं होता सारे के सारे घर वाले क़ुरानी करीम से गाफिल बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं उनको क़ुरानी करीम कब याद आता है जब बहू बेटी को जहेज़ में देना हो या फिर उस वक्त याद आता है जब कसम खाकर किसी को यकीन दहानी करवानी हो उसके अलावा आगे पीछे किसी वक्त भी याद नहीं आता अल्लाहु अकबर एक क़ुरान करीम हमें ज़िंदगी में याद आता हमें अपने बिज़नेस कारोबार के वक्त याद आता दफ़्तर की कुर्सी पर याद आता क़ुरान करीम हमें कलम से फैसला लिखते वक्त याद आता और क़ुरान करीम खुशी के मौक़ों पर याद आता हमें सफ़र करते हुए क़ुरान करीम याद आता ज़िंदगी के तमाम शोबों में याद आता बल्कि मामलती ज़िंदगी के हर मोड़ पर याद आता यहाँ तक कि मियाँ बीवी के मामलों में भी क़ुरान करीम याद आता तो अल्लाह इज़्ज़त हमें इज़्ज़तों से नवाजते हमारी जो परेशानियाँ परेशानियाँ हैं आजकल की इनसे हम महफूज रहते हमारे उस्ताद मोहतरम एक बहुत ही ख़ूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनके समझाने का उन्हें नसीहत करने का अपने शागिर्दों को ऐसे अंदाज़ था को यूँ बताया करते थे कि तेरे हाथ में हो क़ुरआन तो दुनिया में रहे परेशान तेरे हाथ में हो क़ुरआन और तो दुनिया में रहे नाकाम तेरे हाथ में हो क़ुरआन और तो दुनिया में रहे ग़ुलाम नाजरी नगराम ग़ुलामी नफ्स की हो शैतान की हो या किसी इंसान की हो उनके समझाने के अंदाज़ इस तरह से होता था तो वो बताया करते थे कि ना ना कुरान हमें ये कहता है ए मेरे मानने वाले मुसलमान व अक़रम। कुरान कहता है तू पढ़ कुरान, तेरा रब करेगा तेरा इक़राम, तेरा रब तुझे इज़्ज़त व वक़ार देगा तेरा रब तेरे ज़ाहिर व बातन को निखार देगा मगर नादरी निकला हमारी हालत इस क़दर काबिल रहम हो चुकी है कि क्यामत के दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु वसल्लम शिकायत करेंगे वक़ाल रसूल यार महजूरा कहेंगे ए मेरे परवरदिगार बेशक मेरी कौम ने क़ुरआन करीम को पस पश डाल दिया था तो सोचिए कि उस वक्त हमारी क्या हालत होगी लिहाज़ा आज ही से क़ुरान करीम से मोहब्बत कीजिए क़र्न करीम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और अल्लाह हबत आपको इस दुस्तान से नवाजेंगे अल्लाह हबत हमें इस पर अमल करने की तोहफ़ी कता फ़रमाए चलते हैं अपने सबक की तरफ जैसा कि गुज्त प्रोग्राम में भी और उससे पीछे पहले प्रोग्राम में भी हमारा सबक जज्म वाला चल रहा है जज़म किसी भी लफ्ज़ के ऊपर जो दाल की शक्ल में छोटी सी जो निशान होता है उसको जज़्म कहते हैं और उसका दूसरा नाम है सुकून किसी लफ्ज़ के ऊपर ये निशान पड़ा हो किसी लफ्ज़ के ऊपर ये जज़्म पड़ी हो तो उसको साकिन कहते हैं जिस तरीके से गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने कुछ ए, सवालात भी बताए थे जो इस तरीके से थे पहला सवाल ये था कि जजम किसे कहते हैं और उसका जवाब ये था कि छोटी सी दाल के निशान को जज्म कहते हैं दूसरा सवाल ये था कि जज्म वाले हरफ को क्या कहते हैं तो उसका जवाब यह है कि वाले हरफ को साकिन कहते हैं और तीसरा सवाल ये था साकिन हर्फ किस तरह पढ़ा जाता है तो इसका जवाब ये है कि साकेन हर्फ अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर एक मरतबा जल्दी से पढ़ा जाता है तो आज भी कुछ सवाल आते हैं इंशाल्लाह आखिर में बताए जाएंगे अपने सबक की तरफ़ चलते हैं शुरू करते हैं और कुछ सबक हमारा रह गया था मशक़ जो चल रही है सबसे पहले हमने पढ़ा जोड़ के साथ हमजा जबर अब लफ्ज़ को मिलाना सीखा फिर उसके बाद उसकी मशक है और मशक का कुछ हिस्सा गुजा प्रोग्राम में हो गया था और अभी कुछ हिस्सा जो बाकी था आज इनशा पढ़ेंगे तो मेरे साथ शुरू कीजिए शुरू करते हैं आऊद बिल्लिन्जी بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا <سؤال> همزه خا زبر اخ را زبر را اخ را جيم تا زبر جت اخ را كاف زبر ك اخ را अखत का और इसका वक्फ करेंगे अखत आगे बढ़ेंगे बिद आइन जेर ई और इसका वक्फ करेंगे बिद थोड़ी सी आइन की आवाज निकालेंगे अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर जब वक्फ करना हो आखिरी लफ्ज़ के ऊपर मतलब इस तरीके से पढ़ा जाता है उसको साकिन किया जाता है लेकिन एक अगर उससे पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर जजम हो तो फिर आखिरी लफ्ज़ की थोड़ी सी आवाज़ निकालेंगे बिल्कुल उसको ख़त्म नहीं करेंगे थोड़ी सी आवाज़ निकालेंगे बेद्र जैसे आइन की आवाज़ बेद्र आगे और भी लफ्ज़ इस तरह के आएंगे हमजा गाइन जैबर आओ

अत है तोहरु और इसका वक्फ करेंगे अतहर हमजा कौफ जेर इक यहाँ पर कौफ के ऊपर कलकला भी करेंगे हिलाकर पढ़ेंगे हमजा कौफ जेर इक हमज़ा जबर रक इक रक اقرا اور اس کا وقف بھی اقرا حمزہ خ زبر حمزہ زبر أظ فا زبر فا أظ فا را زبر را از فرا كاف ميم بيشكم أظفركم अज़ फॉर और इसका वक्फ भी इसी तरीके से होगा हमजा जा पेश उज लाम जेर ली उज ली फबर फत उज लिफत उज लिफत और इसका वक्फ इसी तरीके से करेंगे उज लिफत किसी लफ्ज के ऊपर जब वक्फ करना हो आखिरी लफ्ज के ऊपर जजम हो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाती उसी तरीके से पढ़ा जाता है उज लिफत रोजे रिज काफ़ पेश काफ़ मीम पेश कुम रिज कुम रिज कुकुम और इसका वक्फ भी इसी तरीके से होगा रिज कुकुम हमजा सीन जबर अस तइन जबर तग अस तव फा जेर फी अस तव फी रो पेश रू अस तव फिरू एस तउ फिर और इसका वक्फ करेंगे अस तउ फिर अस तउ फिर मीम सीन जबर मस जबर गौ मस गा। बा जबर बस मस ब ताज़े तीन मस गौ बीन मस गौ तीन और यहाँ पर वक्फ़ करेंगे मस गोब जो हा की शक्ल में ता होती है जब वक्फ़ करते हैं तो उसको तब्दील करके हा ही पढ़ते हैं और अगर इसके अलावा जो ता होती है जो हा की शक्ल में ना हो जो अपनी असल शक्ल में होती है तो उसको ता पढ़ते हैं वक्फ करते हुए आगे आके असलत इस तरह का लफ्ज आता है आगे और यहाँ पर इसको तब्दील करके इस ता को वक्फ करते हुए हा पढ़ेंगे मसर फसर फह फ فص فح، کریں گے فص فح، تاسواد تص تاس لي، تصلي. يا زبر يا، تصلي. تاس لي يا، تا بيشتو، تص لي زبر لي تا और यहां पर भी वक्फ करेंगे और तब्दील करके पढ़ेंगे तोस लिया लिया, हमज़ा सा जबर एस कौफ जबर कौ एस कौ लाम ता जबर लत एस कौलत जिस तरह के मैंने पीछे बताया था एस कौलत इसका वक्त भी इसी तरीके से होगा अस कौलत क्योंकि ये ता अपनी असल शक्ल में मीम सा पेश मुस कौफ जबर कौ ज़बर क मुस कौ लेम ज़बर लै मुस तादो पेश तुन मुस कौलै तुन मुस्ल और इसका वक्फ करेंगे मुस्कौलह मुस्लह बा हमज़ा जाल जेर, जेर इज बी इज नून जेर नी बी इज नी बी इज नी।, नी और इसका वक्फ करेंगे बी इज थोड़ा सा नून के पास बी इज तज जबर तर्ज हबर है तर्ज है लू तर्ज है लू और वक्फ करेंगे तज़ हल तज़ हल मीम जो पेश मुज लाम जेरलीज ली मीम दो जबर मन मुजली मन मुज मन।, मन और इसका वक्फ करेंगे मुजलीम जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि दो जबर आखिर में आ जाए तो वहाँ वक्फ करते हुए एक जबर पढ़ा जाता है مذلما همزه ض زبر أض ها زبر ها أض ها را زبر را اظ هرا اظ وقف اظهر اظهر

ظهرك 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 نون عين زبر نع با پیش بو نع بو دال پیش دو نع, بودو. نع بودو. वक्फ न दाल के ऊपर कलकरा करेंगे न बुध नून है जबर नह। नून पेश नु नह नु नह नू और वक्फ करेंगे नह नह, या गोइन जबर या फाजेर फी यौ फी रो पेश रु यौ फिर यौ फिर और वक्फ करेंगे यौ फिर यौ फिर मीम खौ पेश मुख रॉजेर रि मुख रि जीम पेश जु मुख रिजो मुख रिजो वक्फ करेंगे मुख रिज मुख रिज जिम के ऊपर भी एक कलकला करेंगे हिरा कर पड़ेंगे मुख रिज हमज नून जेर इन हमज नून जबर अन इन अन ता तबरता इन अंत यहाँ पर नून के ऊपर पहले नून के ऊपर गुना नहीं किया गया कि किसी भी गुना करने वाले लफ्ज़ के बाद अगर ख़लकी में से कोई हो हमजा हा, आइन है ईन और ख़ इन छः हरूफ़ में से कोई भी हरफा जाए तो वहाँ पर गुना नहीं किया जाता पहले जो इन है इसके ऊपर गुना नहीं करेंगे अगर आगे फा खली में से ना होता हमजा तो यहां पर गह करके पढ़ते लेकिन आगे है हमजा नून जबर अनुफा खलकी में से हमजा है हम्जा नून जेर इन। नून जबर अन तबरता इन अनता इन अनता मीम नून जेर मिन हीम पेश हिन हु और वक्त भी इसी तरह से होगा मिन हु हमज नून जबर अन आईन मीम जबर अम अन आम ता जबरता अन आमता अन आमता और इसका वक्फ करेंगे अन आमत वाव नून जबर वन है जबर हर वन हर वन हर वक्फ करेंगे वन

खौशिया और इसका वक्फ है लिमन खौशी लिमन खौशी वाउ लाम जबर वल मीम नून पेश मुन। वल मुन खौ जबर खौ वल मुन खौ नून जेरनी वल मुन खौनी वलमन खौनी कौपेश वलमुन खौनी कौतु वलमुन खौनी कौतु ये थोड़ा सा बड़ा लफ्ज़ है और इसका वक्त भी इसी तरीके इस तरह से करेंगे वलमुन खौनी कौ मुन ख़ौनी कह जितना भी बड़ा लफ्ज़ हो उसको आसान तरीका ये है कि पहले जिस तरीके से वाउलाम आम जबर वल इसको मिलाया फिर उसके बाद तीसरा लफ्ज़ मिलाकर फिर इन तीनों का रवान पढ़ा यानि कि इसकी आवाज़ को पढ़ा मु ठीक है इसी तरीके से चौथा लफ्ज़ मिलाया फिर इन चारों की आवाज़ को पढ़ा इस तरीके से जितना भी बड़ा लफ्स हो आसानी से इंसान पढ़ लेता है वल मुन खौनी कतु और वक्फ है वल मुन खौनी नून जबर यन कौ जेर तुई कौफ पेश इसका वक्फ है عين نون زير عين دال زبر ده دا عين ده هامين بش هم عين دهم هم عين دهم هم ورسك عين هم لام زبر لا كاف نون بش لكن تامين بشتم लेकु तुम और इसका वक्फ भी इसी तरह से होगा लेकुन तुम नून जबर अन कौफ जबर कौ अन कौ जबर दो अन कौ दो और इसका वक्फ करेंगे अन कौ अन जबर काफ पेश जबरयन यन कु, कु। स पेश सु यन कु और इसका वफ़ करेंगे यन यन कुस यान कुस तक आज का सबक था और ये जसम वाला सबक ख़त्म हो गया यहाँ पर तो जो सवाल बाकी थे वो कुछ इस तरह से हैं पहला सवाल ये है कि सवाल कलकला किसे कहते हैं जो पीछे मैंने आपको अभी बताया भी था कि किसी लफ्ज़ के ऊपर कलकला तो उसको हिला कर हैं यानी कि जमबश देते हैं तो इसका जवाब यह है कि कलकला आवाज़ के मुंह में उछालने को यानी कि जमबइ देने को कहते हैं और दूसरा सवाल ये है कि हरूफ कलकला कल कितने हैं तो इसके जवाब ये है कि हरूफा कलकला पाँच हैं कौफ कौ तो, बीम दार ये पाँच हरूफ़ हरूफ कलकला हैं और इसके बाद तीसरा सवाल यह है कि हरूफा कलकला पर कलकला कब होता है यानि कि इन पाँच हरूफ़ पर कलकला कब किया जाता है तो जवाब यह है कि ये साकिन हो या साकिन किए जाएं यानी कि साकिन हो इनके ऊपर जज्म हो या फिर इस वक्फ़ की सूरत में जब आखिर में जजम पड़ी जाती है साकिन किया जाता है उस लफ्ज़ को तो उस सूरत में कलकला किया जाता है तो यानी कि कलकला आवाज़ को हिलाकर पढ़ना जमवेश देना मुँह में आक, अब आक इस तरह से तो नाजरीन आज का सबक यहीं तक था अल्लाह रबालज़त हमें इस पर अमल करने की पढ़ने पढ़ाने की सुनने सुनाने की और इस पर अमल करने की तोफ़ी कताफरमाए आपसे इजाज़त चाहते हैं दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अल्लम वरम्